दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज की आपाधापी और भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें लक्ष्य पाने की जल्दबाजी होती है, लेकिन लक्ष्य पाने का सबसे आसान माध्यम क्या होता है? जी हाँ, शांत व्यवहार। हम बिना गुस्सा किए शांत क्यों नहीं रह सकते? गुस्से की बात पर गुस्सा ना होना और शांत रहना ही तो योग है। जो व्यक्ति गुस्सा रहने की प्रवृत्ति को त्याग देगा अथवा इस पर विजय पालेगा तो उसे दुनिया कहीं अधिक सुंदर और लुभावनी लगेगी। अगर आप शांत रहने का अभ्यास करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब होंगे। अशांत रहना, गुस्सा करना, चीखना और चिल्लाना, जलना, ये सब तो केवल हमारे मन के गुब्बार को ही परिलक्षित करते हैं। दरअसल ये हमारे व्यक्तित्व या पहचान में काला धब्बा होते हैं, साथ ही हमारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींच देते हैं। वहीं अगर हम शांत रहेंगे तो स्वयं अनुभव करेंगे कि हमारा जीवन कितना निर्मल हो गया है। हमें इस दुनिया की प्रत्येक वस्तु में एक अलग ही तरह की ताजगी और प्रफुल्ल प्राप्त होगी। शांत रहने की वृत्ति को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए हम लोगों को किसी विशेष प्रतिनिधि की जरूरत नहीं होती। हम अगर शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम एकांत में बैठकर यह आस्था रखें कि मुझे शांत रहना है। साथ ही दृढ़ संकल्प लें कि मुझे उबाल नहीं लाना है। यही आसान सा एक तरीका है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब आप शांत रहने का मार्ग अपनाना शुरू कर देंगे तो ये दुनिया जरा अलग से दिखाई देने लगेगी। साथ ही आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा। आपके चेहरे पर एक नई चमक नजर आएगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें नया उत्साह, हृदय में निर्मलता और शीतलता का अनुभव करेगा। ये सभी बिना किसी परिश्रम, बिना किसी खर्च के उपचार के संभव हो जाएगा। शांति को वास्तविक रूप में करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने अंदर संकल्प करें कि कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में शांत रहना है। अब एक तरीका आप और अपना सकते हैं। जब तक आप शांत रहने की प्रक्रिया को नहीं अपनाते, तब तक आप रोज एक व्यक्तिगत डायरी में रात को शयन कक्ष में जाने से पूर्व उन सब बातों को लिखें जो दिन में घटी, जिसमें आप शांत ना रहे हों। कुछ दिनों बाद इस डायरी को एकांत में पढ़ें और आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हुए, बेमतलब चिल्लाए, जिससे आपके स्वास्थ्य, जीवन, दिनचर्या, माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अपने दिन को मंगलमय बनाने के लिए शांत रहना बहुत आवश्यक है। इससे आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जय श्री सीताराम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।